नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं अंशुमा नारायण और हम आपको पूरे भारत का रंग दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली में मेला लगा हुआ है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का। और इसमें हम पहुंचे हैं उड़ीसा के स्टॉल पे। आप मेरे पीछे जो नाव देख रहे हैं जिसका मुंह हंस के जैसा है, वो हमें याद दिलाता है बाली यात्रा की, जब उड़ीसा के तटों से व्यापारी जाते थे, साधवगण जाते थे इंडोनेशिया और बाली की यात्रा के लिए, और उसी की याद में ये नाव की शेप बनाई गई है। और खास बात यह है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है और इसी नाव पर कई तरह की प्रदर्शनी लगाई गई है, इसके बारे में बताएंगे मोहंती साहब। अगर बहुत बहुत स्वागत है उड़ीसा इंडिया में। सर नमस्कार, जय जगन्नाथ। सर हम लोग जो इस साल जो किए हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, थीम है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब वर्ल्ड इज वन। सो एज पर दैट थीम वी हैव ट्राइड टू प्रोजेक्ट उड़ीसा बिफोर द पीपल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इन दिस प्लेटफॉर्म। सो नाव देख रहे हैं, इसी महीने ही ये शुरू होता है, कार्तिक के महीने में वो ट्रेड के लिए बाली यात्रा के लिए जाते थे दूसरे देशों के, जैसे इंडोनेशिया, बाली, चाइना, जापान, जावा, सुमात्रा, ये सब को जाते हैं क्या, लेकिन ये सब प्रोडक्ट सारे लेके जाते थे, हमारे आर्ट वर्क्स, हमारे हैंडलूम्स, आर्ट फॉर्म्स। बोलिएगा, मुझे याद है कि पिछले साल इसी वक्त में मैं पारादीप पोर्ट पर था, वहाँ बाली यात्रा निकली थी, जब साधव गणों को साधव भगवान ने विदा किया था, बहुत खूबसूरत था वो नज़ारा था। आपने बिल्कुल वही माहौल जीवंत कर दिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही प्रोजेक्ट अब हम लोग करने की कोशिश किए हैं। ये जो साधव जो होते हैं इसी महीने निकलता है, बिकॉज क्लाइमेट फ्रेंडली ये महीना, ये हवा के जरिए चलता था, तभी स्टीम नहीं था या कुछ डीजल इंजन वगैरह नहीं था, ये हवा के जरिए थे। ये महीना जो होता है इट इज़ वेरी ये कंड्यूसिव फॉर द सी ट्रेड, नावल ट्रेड। तो हमें आप कृपया इस नाव के जो झांकियाँ लगी उसके बारे में बताइए। जी जी, ये जो अपना नाव के जो है एक्चुअली प्रीवियसली क्या होता था, 2000 साल पहले जो नाव में जाते थे वो फिनिश प्रोडक्ट लेके जाते थे। नाव इट इज़ ये स्टोरी वर्तमान अतीत हो गया है, जो अतीत को रिमेम्बर करने के लिए हम लोग दिखाते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं आर्टिशियंस, क्या क्या चीज़ बेचते थे, तो ये याद करने के लिए हम लोग लाइव डिमो रखे हैं। ये देखिए, ये पैडी में बना हुआ है, एक एक धान को धागे से जोड़ा जाता है और ताकि वो हल्दी का रंग चढ़ा है ताकि वो खराब ना हो, कीड़े वगैरह ना लगे। ये सारे ये देखिए सर प्रोडक्ट, ये सब प्रोडक्ट हम लेके जाते थे, इसके साथ क्या करते थे उन लोगों के साथ इंपोर्ट करते थे। नॉट ओनली दैट, देर वॉज रेसिप्रोकेशन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑल्सो। इसी के साथ साथ ट्रेड के साथ साथ हम एक दूसरे से रिलीजन कल्चर ये वगैरह हम इम्पोर्ट करते थे, साथ में हमारा भी बांटते थे। हम तो कैमरामैन दोस्त को बोलेंगे कि वो इस नाव पर झांकियाँ को दिखाएं और आर्टिजन को दिखाएं। अब इसके बारे में बताएं सर, ये जो ये सर देखिए, ये एक एंशियंट आर्ट फॉर्म है, ये लोग आदिवासी लोग हैं, जनजाति लोग हैं, ये आज भी वो पढ़े लिखे होने के बावजूद, ये जो बेटी है ये लड़की एंथ्रोपोलॉजी में पीजी की हुए हैं, लेकिन आज भी ये लोग अपना ट्रेडिशन कल्चर एंड ये वगैरह आर्ट वर्क वगैरह भूले नहीं, छोड़े भी नहीं। जी अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देख रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा तैयार की जा रही है, भगवान जगन्नाथ की पेंटिंग तैयार की जा रही है, कृपया इसके बारे में बताएं सर। ये जनजाति लोग ने अपने हिसाब से अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं, भगवान जगन्नाथ का वो पेंटिंग होते हैं जो विश्व आधुनिक है, सारे जगह इसका बहुत डिमांड भी होता है। हम दर्शकों को बता दें कि भगवान जगन्नाथ एक ऐसे देवता है जहाँ सभी संस्कृतियों का सम्मिलन होता है, शैव शाक्त वैष्णव सभी परंपराओं का सम्मिलन होता है, और वो आप इस ट्रेडिशन में देख रहे हैं। मुंदिया हमें आगे बताएं। ये रहा सर, ये जो जगन्नाथ की प्रतिमा है ये कपड़े में ये तैयार किया गया है, इससे इट इज ऑल्सो वर्ल्ड फेमस आइटम, दैट इज अपली अपिपली। सो कपड़े पैच वर्क जो होता है ये भी बहुत विश्व आदृत मिला है उन्हें। इसमें जो कलर इस्तेमाल किए गए हैं वो केमिकल कलर है या नेचुरल कलर है? ये नेचुरल, ये पैच वर्क है कपड़े में, कपड़े में जो कलर डाला है वो नेचुरल है।
हम सामने देख रहे हैं कि ये बहुत सारे कलर नारियल गुप्पी में कलर पड़े हुए हैं, ये क्या सब नेचुरल कलर हैं? सब नेचुरल कलर हैं सर। ये जो ये नारियल की जो ये है ना बोल रहे, इसमें ये नेचुरल कलर डाल के उसे पानी में सको, नो केमिकल। सो ये रहा पटचित्र सर जी, हम आगे बढ़ते हैं जी। ये क्या चीज़ है? ये इसे कहते हैं पटचित्र, पट के ऊपर बनता है, आइदर पेपर में बनता है या सिल्क के ऊपर। सिल्क के ऊपर जो बनता है वो सर देखिए, वो सिल्क कपड़े के ऊपर बनता है। ये भी रघुराजपुर का, उड़ीसा का वर्ल्ड फेमस आइटम है। ये देखिए और एक आइटम मैं दिखाता हूँ, ये देखिए पाम लीफ पे बना हुए, पाम लीफ ताली पत्र, ताल का पत्ता, ताल पत्ते पे ये बना हुए, ये आर्ट वर्क है। ये हाथ में बनाते हैं, लोहे का ये लेकर जैसे लेखनी कहते हैं हमें, उससे बनाया जाता है। इसमें कोई कलर नहीं है, बिल्कुल नेचुरल कलर है। हम लाइव डेमो देख रहे हैं, एक आर्टिस्ट बना इस काम को कर भी रहे हैं। अब मैं अपने कहना दोस्त जाएंगे इसको दिखाएं, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है ये। और ये जी मोदी साहब, ये आर्ट किस उड़ीसा किस भाग में होता है जी? ये आर्ट उड़ीसा किस भाग के में होता है? ये उड़ीसा में हर जगह बनता है, ये घर घर की आर्ट है। ये एक्चुअली हाउस ऑफ लोगों तो आर्टिस्ट वो अपने अपने जगह लीजरली वो बनाते हैं जी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम कहना है फॉलो करेगा। ये हाथ से बन रहा है, ये क्या चीज़ है? दिस इज मोस्ट यूनिक, आई थिंक वी हैव ट्राई टू शो टू द एंटायर वर्ल्ड, वी कॉल इट करुणा सिल्क। ये जो करुणा सिल्क है, करुणा मतलब दया, दया मतलब है जो सिल्क जो बनाते हैं नॉन वायलेंस के रूप में, किसी का नुकसान नहीं होता है, किसी को मारते नहीं है जी। सिल्क को रेयरिंग के लिए कीड़े को मारना पड़ता है, तो आपने कहा ये करुणा सिल्क है, यानी ये मतलब इसमें किसी कीड़े की हत्या नहीं की गई है? कि हत्या नहीं की जाती है, वो ये कोसा जो होता है उनको लाते हैं। पहले क्या होता था, वो कोसा को गर्म पानी में डाल देते, वो कीड़ा मर जाता था। अभी इनोवेट किए हैं उसी का इनोवेशन, दूसरा ये किया है जो कीड़े ना मरे और सिल्क भी निकले। सो कीड़े को निकाल देते हैं, सिल्क को यूज करते हैं। लेकिन अगर ककून से कीड़े को निकालना हो तो ककून को काटना पड़ेगा, फिर सिल्क वेस्ट हो जाएगा। नहीं, इस हिसाब से हम काटते हैं, बारीकी से काटते हैं ताकि वो नष्ट ना हो जाए, लेकिन कीड़ा बच जाए। अगर एक कीड़ा बन जाता है तो 18,000 एग्स देंगे, तो 18,000 कीड़ा हम फिर पाएंगे। तो इसलिए कीड़ा को मारे बगैर हमें सिल्क बनाते हैं। तो अपने दर्शकों को बता दें कि उड़ीसा जो है वो गौतम बुद्ध की भी धरती रही है, रत्नागिरी के इलाकों में भगवान बुद्ध की के बहुत सारे शिष्य हैं, तो शायद ये प्रेरणा आपको भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से मिली होगी करुणा सिल्क निकालने की। एक्चुअली करुणा भगवान बुद्ध से नहीं, ये जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है। ये जो सिल्क होता है ये जगन्नाथ जी के लिए बनता है, जगन्नाथ जी को हम किसी के मार के उसको भगवान के ऊपर चढ़ा नहीं पाएंगे। भगवान बुद्ध तो जगन्नाथ का एक अवतार भी है, इसीलिए हमें ये सोचना पड़ा, ये तय करना पड़ा। बहुत खूब, ये करुणा सिल्क एक रियल बहुत अच्छा इन्वेंशन है। हम आगे बढ़ेंगे और हम सामने देख रहे हैं कि पत्थर की मूर्तियाँ नटराज हैं और पत्थर की मूर्तियाँ, ये देखिए कलाकार जो है शायद एक कच्छप की आकृति तैयार कर रहे हैं। वो मोहित हमें बताएंगे इसके बारे में। सर ये जो आप ये देखें, ये स्कल्पचर देखें, अब उड़ीसा का एंशिएंट आर्ट फॉर्म है ये, क्या उड़ीसा का जो मंदिर है, मंदिर के जो पत्थर की नक्काशी है, ये हम दिखाएंगे लाइव डेमो के जरिए। दिस इज द बेस्ट वर्क, स्कल्पचर इज द बेस्ट फॉर्म इट हैज गट ये उड़ीसा। सो पत्थर के ऊपर जो लाइफ हम डालते हैं, ये आर्टिशन डालते हैं। आप देखिए ये जो था सारा सा पत्थर था वो कैसे लाइफ बन के ये बनता है जी। तो हम देख रहे हैं कि नटराज की प्रतिमा है, नीचे असुर है और कितनी लाइवली प्रतिमा है, यहाँ तक कि भगवान के चेहरे की भाव भंगिमा भी है, बहुत शांत मुद्रा है। एक्सप्रेशन ऑफ द गॉड, बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो भाव है चेहरे के मूर्तियों के वो बहुत एकदम लाइवली है। तो और देखिए गणेश की प्रतिमा है, बुद्ध की प्रतिमा है और सब पे बहुत अद्भुत भाव है। और हम इस नाव रूपी प्रदर्शनी के आगे अगले हिस्से में बढ़ते हैं और अगले आर्ट की तरफ बात करेंगे। मोहन साहब ये सामने हमने जो आर्ट है वो क्या चीज़ है? सर ये देखिए, दिस इज ए फ्यूजन, दिस इज मॉडर्न वर्क। सो पहले जब अपन ट्रेड करते थे वो तो तभी ये पेपर्स नहीं थे, अभी पेपर आ गया, पेपर इतना ज़्यादा आ गया वो रद्दी में जाता था। ये रद्दी पेपर जो है, रद्दी पेपर को हम ग्राइंड करके वो दिखा रहे हैं, रद्दी पेपर जो हम फेंक देते हैं, वेस्ट पेपर को वो ग्राइंड करके पेस्ट बनाते हैं। इसी पेस्ट से ये आर्ट वर्क्स
वो डेकोरेटिव चीज़ बनाए जाते हैं। जो कलर डाला है था ये ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन अच्छा कलर, छूटने वाला नहीं है, ये खराब भी नहीं होगा, पानी पानी अगर गिरेगा भी इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। मोदी साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि आप बेकार की चीज़ों को एक संपत्ति में बदल दें, तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद ये प्रेरणा आपको वहीं से मिली होगी कि कागज़ की लुगदी, अब ये देखिए ये कागज़ जो है जो हम लोग पेपर न्यूज़पेपर बाकी चीज़ें वेस्ट फेंक देते हैं, उसको लुगदी बना के उससे एक बहुत सुंदर प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं। और ये पीएम मोदी का जो नारा है वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत सटीक उदाहरण है। और ये देखिए गौतम बुद्ध की प्रतिमा, और ये कागज़ का बना है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि ये वेस्ट पेपर का बना हुआ है। वेस्ट पेपर को पानी में डुबा के लुगदी बना के, सर इसकी प्रक्रिया क्या होती है बताएं? सर ऐसे पानी को जो रद्दी कागज है उसे पानी में डालते हैं, उसे ग्राइंड किया जाता है, थोड़ा ग्लू मिला जाता है, नेचुरल जो पेड़ का जो होता है ग्लू मिला जाता है, ताकि उसके बाद उसको शेप दिया जाता है। ये शेप आता है, ये भी आता है, ये हैंग, ये देखिए कुल्लर जो है ये बना है, पेन स्टैंड्स हैं, ये वॉल हैंगिंग्स हैं, ये सब ये शेप दिया जाता है सर जी। बहुत खूब, तो एक बहुत शानदार काम किया आप लोगों ने, और सबसे बड़ी बात कि हर चीज़ का लाइव डेमो मौजूद है, यानी कि कलाकार काम करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और ये एक प्रेरणा देता है कि कैसे आप आप कलाकारों के सामने काम करते देखते हैं तो आप खरीदारी के लिए प्रेरित भी होते हैं। अच्छा एक प्रश्न मोहंती साहब आपसे कि क्या अगर कोई आदमी बाई करना चाहे इसको, बाहर बैठा हुआ आदमी, तो ऑनलाइन बाई कर सकता है? बिल्कुल सर ऑनलाइन सिस्टम है उन लोगों के पास, अगर ऑनलाइन चाहे तो वो मंगवा सकते हैं, कहीं भी भारतवर्ष में कहीं भी बैठे, युवा वर्ल्ड में कहीं भी बैठे वो साइट के जरिए। तो इसके लिए आपके पास क्या कोई वेबसाइट है, ऐप है या क्या है? उन लोगों के जो साइट है वो लोग देते हैं सर। ये एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, जो उनका साइट है जो आर्टिसंस हैव डेवलप्ड दैट साइट, तो बाय थ्रू दैट साइट यू कैन गेट प्रोक्योर ऑल दिस थिंग्स। श्योर, थैंक यू।